राइडर्स दुनिया भर की बाइक कंपनी जब एक नया बाइक लॉन्च करती है तो कुछ अलग सा देखने को मिलता है। तो फिर इस मामले में बजाज को कौन सा लकवा मार जाता है यार? सब लोग कितना खुश थे कि इस बार NS200 का अपडेट फाइनली आ रहा है इतने सालों बाद, जो कि है NS400। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको NS400 का रियल इमेज दिखाऊंगा, जिसे देखने के बाद आप बस इतना बोलोगे, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। सो राइडर्स वेलकम बैक, यह है आपका अपना चैनल अगर अपने आप को एक राइडर मानते हो तो, और आपको यहाँ पे बाइक से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, बस एक सब्सक्राइब कर लेना। आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा हार्ड है, तो बिना देरी किए चलो करते हैं स्टार्ट, लेकिन मेरे स्टाइल में, वो भी एक शायरी के साथ। बात आ जाए बाइक पे तो दिल मेरा एक नंबर का फाइटर है, हाथ किसी के नहीं आएगा क्योंकि छोरा एक नंबर का राइडर है। तो हम लोग इस टॉपिक को शुरू से शुरुआत करते हैं जब बजाज एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी थी। याद करो यार, इसने हमें कितने सारे लेजेंड बाइक्स दी है, लाइक NS200, RS200, Pulsar 220F, नाम लेते लेते हम लोग थकेंगे नहीं। जहां बजाज की ही सबसे बेहतरीन बाइक पल्सर 220F ने मार्केट में 15-15 साल तक राज किया है, आज उसकी एक बाइक लॉन्च होने से पहले ही आलोचना का शिकार हो रही है। तो बजाज आखिर गलती कहां पे करते हैं? क्या ये लोग माल फूक के बाइक डिजाइन करते हैं? गांजा पी के दमड़िया के होनोनी तोर माया मामा। देखो, कुछ टाइम पहले NS200 का अपडेट आया था, 2024 वाला वर्जन। वहाँ पे पल्सर वालों ने क्या किया? कुछ नहीं भाई, बाइक एस इट इज आपके सामने रख दी, बस एक नया वाला फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ओनली सामने से, यानी कि हेडलाइट की तरफ बाइक में थोड़े से कॉस्मेटिक चेंज और अपग्रेड। पल्सर वालों को इतना तो समझ में आना चाहिए कि बाइक के हेलोजन हेडलैम्प को रिप्लेस करके एक LED हेडलैम्प लगाने से कोई अपग्रेड नहीं हो जाता। और यहीं पे आप दूसरी कंपनी लाइक यामाहा कावासाकी का एग्जांपल ले सकते हो। पहले लेते हैं यामाहा को। देखो, पहले भी मार्केट में MT15 और R15 Version 3 धूम मचा रहे थे। अगर यामाहा वाले चाहते तो कुछ भी ऐसे बना के दे देते अपने कस्टमर को, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो R15 वर्जन 4 है उसको पूरा लुक दिया यामाहा R7 से, जो कि एक सुपर बाइक है अपने में। और आज भी शर्त लगाता हूँ, कोई भी बंदा यामाहा की बाइक्स पे शक नहीं करता है और उसके डिजाइन को लेकर कभी भी आलोचना नहीं करता है। चलो भाई, कम से कम इतनी तो खुशी है कि ये लोग NS200 को अपडेट कर रहे हैं NS400 में। एक बड़ा इंजन देखने को मिलेगा ऑब्वियसली, जिसमें बहुत सारा पावर होगा, लेकिन आप खुद सोच के देखो कि अगर हम लोग NS400 को राइड करेंगे और फीलिंग आएगी NS200 वाली, तो किस काम की भाई ये बाइक। अगर आपको पता नहीं है तो एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि जो NS400 नई लॉन्च होने वाली है, उसमें जो इंजन मिलेगा वो सेम रेप्लिका होगा डोमिनार 400 से, जो लगभग 40 BHP तक की पावर आउटपुट करेगा। इसी के साथ बाइक की टॉप स्पीड भी होने वाली है लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आप अभी एक बार खुद अगर NS400 का डिजाइन देखोगे तो बोलोगे, घंटा, ये कुछ बाइक हुई? तो चलो कुछ लीक्ड इमेजेस दिखा देता हूँ जो आपको कहीं नहीं बस यहीं मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बाइक का साइड लुक और पीछे वाला लुक दिखा देता हूँ। NS200 की याद आ रही होगी आपको ये इमेज देख के। टेंशन मत लो, आगे दिल और भी टूटने वाला है ज्यादा, क्योंकि जो सामने वाला पोर्शन है वो भी कुछ खास नहीं है। साइड से देखने पर ऐसा लग नहीं रहा है कि बाइक 400cc की होगी। ये तो वही बात हो गई ना यार, कि बाइक का इंजन अपग्रेड कर दिया लेकिन कपड़े वही पहना दिए। वेल, कपड़ों से मेरा मतलब है इसकी फेयरिंग, चाहे फ्यूल टैंक हो, सीट हो या फिर टेल सेक्शन, पूरा का पूरा छापा गया है NS200 से। इस बार यार मैं तो इतना ही कहूंगा कि बजाज ने अच्छा किया है NS400 लॉन्च करके, लेकिन इस बार दिल नहीं तोड़ा है इन्होंने, इन्होंने इस बार दिल को जमीन पे रख के रौन दिया है। देखो आप लोग भी NS400 को सामने से। हाँ, यहाँ पे एक चीज की तारीफ मैं जरूर करूंगा कि इसके जो थंडर शेप DRLs हैं बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बाइक में मुझे और कुछ ज्यादा खास लगा नहीं। बाकी आपको ये तो पता होगा कि इसमें USD फोक्स आ रहे हैं और बाइक का ऑन रोड प्राइस होने वाला है लगभग 2.5 लाख के आसपास। सो इतना सब कुछ देखने के बाद आपको क्या लगता है, बाइक पसंद आई कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि सबका ओपिनियन मैटर करता है। मतलब यार, हर किसी की पसंद अलग अलग होती है, क्या पता जो चीज मुझे पसंद आ रही है वो आपको पसंद आ जाए। बाकी मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बस इतना कहूंगा, राइड सेफ बट राइड हार्ड। और हाँ, कमेंट करना कैसी लगी आपकी हुस्न परी दी NS400 2024।